अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, प्यारे दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ वसीम और आप लोग देख रहे हैं सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल। जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो है वो रियाद बैंक से पैसे आप जो है वो अपने एसटीसी पे में कैसे सेंड कर सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह आज ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम रियाद बैंक को जो है वो ओपन करते हैं गूगल में। आए गूगल में आने के बाद ये रियाद बैंक ऑनलाइन, ये सेकंड ऑप्शन जो है रियाद बैंक ऑनलाइन में हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, ये हमें नेक्स्ट पेज पे जो है ये साइड पे आप लोग देख सकते हैं राइट साइड पे कॉर्नर में ये पर्सनल बैंकिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रियाद बैंक की जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन, यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपना यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर किया, आप लोग देख सकते हैं कि मुझे मेरे मोबाइल पर 4 हिंसे का एक ओटीपी जो है वो रिसीव होगा। वो जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी जहाँ पे हम इंटर करेंगे, तो हमें जो है ये रियाद बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट पे जो है होम पेज पे हमें जो ये सॉफ्टवेयर जो है ये ले जाएगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि अभी हम रियाद बैंक की जो है वो होम पेज पे आ चुके हैं। अब हमने जो है वो रियाद बैंक से पैसे सेंड करने हैं एसटीसी पे में। तो मैंने अपनी ऑलरेडी जो है वो बेनिफिशरी बना के रखी हुई है। तो हम जो है वो यहाँ पे सद्दात में आएंगे। सद्दात में आने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं 3 ऑप्शन है हमारे पास, सद्दात अकाउंट, सद्दात बिल्स एंड ईसाल। तो दरमियान वाली ऑप्शन में जो है वो हम क्लिक करेंगे सिद्धार्थ बिल में, और उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन ओपन हो चुकी हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज़, पे बिल, मोबाइल रिचार्ज। आप लोग यहां से मोबाइल रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमें जो ऑप्शन चाहिए वो है पे बिल की। तो यहां पे हम आगे, जैसे ही हमने पे बिल पे क्लिक किया तो 2 ऑप्शन हमारे पास आगे हैं, पे ए रजिस्टर्ड बिल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो एसटीसी पे की जो बेनिफिशरी है वो मेरे पास बनी हुई है। तो मैं ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करूँगा, पे ए रजिस्टर बिल। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है एसटीसी पे ये वाली जो है इसमें हम जो है वो पैसा सेंड करना चाहते हैं आप लोगों के पास। अगर ये बेनिफिशरी अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाई तो आप लोग, मेरी अलहदा से एक वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। इसका तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही हमने यहां पे क्लिक किया, आप लोगों ने एक बार जो है ये अपना अकाउंट नंबर उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये साइट पर आप लोग देख सकते हैं एसटीसी पे में एक ऑप्शन है अनचेक है। जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो हम यहाँ पे अब अपनी अमाउंट जो है वो लिख सकते हैं कि कितनी अमाउंट हमने जो है वो सेंड करनी है अपने एसटीसी पे में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखी, आप लोग ये नीचे देख सकते हैं कि मॉडिफाई, ऐड एंड डिलीट, और आखिर में जो है ये पे की ऑप्शन है। पे का मतलब कि आप लोग जो है वो सेंड करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने, प्यारे दोस्तों, इसको मैं पे सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन एक और खुल के आ जाएगी सबमिट की। अब सबमिट को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो हमसे एक बार जो है वो दोबारा पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन इंक्वायरी सक्सीड, कि अगर आप लोग एक बार जो है वो दोबारा से चेक कर सकते हैं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। तो मैं जो है वो, हम लोगों ने जो है वो सब कुछ जो इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट जो है वो इंटर की है। तो अभी ये सिंपल नीचे आप लोग देख सकते हैं कन्फर्म की ऑप्शन है। जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो 1-4 हिंसे का ओटीपी जो है वो अगेन हमारे मोबाइल पे रिसीव होगा। जब तक हम वो ओटीपी हम यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे तब तक हमारी जो अमाउंट है वो एसटीसी पे में सेंड नहीं होगी। तो अभी हमें जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, रियाद बैंक का जो है वो ओटीपी जो है वो हमें रिसीव होगा। रियाद बैंक के मुतल्लिक मैंने आप लोगों से पहले भी गुजारिश की है कि जैसे मैंने इसमें, आप लोग ये रियाद ऑनलाइन की जो एप्लीकेशन है इसको आप लोग कैसे अपने मोबाइल में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप लोग कैसे उसका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद बेनिफिशरी कैसे बनानी है, अमाउंट कैसे सेंड करनी है, ये सब वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो भी ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन जो है वो बना दी है।
अब पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो अगर कोई बंदा रियाद बैंक का पासवर्ड जो है, रियाद ऑनलाइन का पासवर्ड जो है वो अगर कोई भूल गया है तो वो वहाँ से फॉरगेट जो है वो जाके फॉरगेट पासवर्ड जो है वो भी कर सकता है। तो जी प्यारे दोस्तों, अभी जो है वो मुझे ओटीपी जो है वो रिसीव हो चुका है और मैंने जो है यहाँ पे सबमिट किया। अब आप लोग देख सकते हैं ऑल पेमेंट हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मैं यहाँ पे जो है अगर इसका इस स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, या हमारे पास ये एक ऑप्शन है सेव एंड प्रिंट की, तो मैं इसको जो है वो सेव कर लेता हूँ ताकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास जो है वो इसका प्रूफ हो। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये आप लोग देख सकते हैं कि एक पीडीएफ फाइल जो है वो यहाँ कॉर्नर में सेव हो चुकी है। तो अभी हम जो है वो इंशाल्लाह एसटीसी पे जाते हैं, वहाँ पे जाके चेक करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे हमने रियाद बैंक से तो हमने अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर ली है एसटीसी पे में, आगे हमने जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में किसी भी मुल्क में कैसे अमाउंट जो है वो सेंड करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।